टेक्निकल क्यू चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल क्यू। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाकर कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम आपके कमेंट की रोशनी में चैनल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज हमने टॉपिक की तरफ, तो आज का हमारा टॉपिक है कि 2019 शुरू हो चुका है, माशाल्लाह फरवरी का महीना चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है, तो इसमें कौन से मोबाइल सबसे बेस्ट हैं सेल्फी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, जी रैम क्या है और उसकी स्क्रीन कैसी है और उसका स्टोरेज कैसा है, उसका बैटरी बैकअप कैसा है, इस जगह पर खसूसन सेल्फी कैमरा जो है उसका बहुत सारे लोग ध्यान रखते हैं, खसूसन जो यूट्यूबर हैं या जिनको फोटोग्राफी या वीडियोस बनाने का शौक़ होता है वो सेल्फी कैमरे पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2019 में सबसे बेस्ट टॉप 5 जो है, टॉप 5 वो कौन से मोबाइल हैं जिनका बेस्ट है सेल्फी कैमरा बेस्ट है, तो उनके हवाले से, तो दोस्तों उनके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे तो पहले जो गूगल पिक्सल 3 है, मेरा ख्याल है उसका कैमरा तो आज से नहीं, काफ़ी जब से ये आया है मोबाइल तो अभी तक टॉप पोजीशन में है। आप उसको कैमरों का किंग बोल सकते हैं, जितने भी मोबाइल्स हैं उनमें जितने जो सेल्फी कैमराज हैं उसके हिसाब से मेरा ख्याल है ये किंग है और इसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा अब तक। तो सबसे पहला तो ये है, फ्लैगशिप है, बहुत अच्छा सेट है, लेकिन उसका सेल्फी कैमरा जो है वो बहुत बेस्ट है। हालांकि है तो थोड़ा कम है, लेकिन बाकियों की नस्बत बहुत ज़बरदस्त है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है गैलेक्सी का, क्योंकि आईफोन जितने महंगे हैं जितने अच्छे हैं वो प्राइवेसी के हवाले से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैमरे में पिक्सल 3 के बाद अगर नंबर आता है तो वो गैलेक्सी का आता है। और गैलेक्सी में इस वक्त जो है सेल्फी के हवाले से गैलेक्सी S9 Plus बहुत बेस्ट है और बहुत अच्छा है, बाकियों की निस्बत काफ़ी उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको पूरी भी डिटेल बताता रहूं, जी इसमें इतना जो है कैमरा इसका ये करता है, उसमें डीप्थ ये है और उसकी फोकसिंग ये है वगैरह वगैरह, मतलब मिला जुला के एक ही के बहुत अच्छा है। और उससे फिर जो तीसरा नंबर आता है वो आता है आईफोन का, ठीक है, तो आईफोन में जो है XS Max जो है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त है, उसका भी सेल्फी कैमरा तीसरे नंबर पे है और बहुत अच्छा है, जितने भी सेल्फीज़ के शौकीन हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद भैया चौथा जो नंबर है वो जो इस वक्त आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ, फ्लैगशिप भी नहीं है, है तो आप उसको मिड रेंज बोल सकते हैं, ये है गैलेक्सी का A6 Plus। गैलेक्सी A6 Plus बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं ये उसके फ्रंट से है, 24 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका, लेकिन बहुत आला क्वालिटी का है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बहुत सारे मोबाइल्स आजमाए इसी की वजह से कि भाई इसको किसका रिज़ल्ट आ रहा है, किसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो इस हवाले से मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा और मैं इससे काफ़ी मुतमिन हुआ हूँ। मिड रेंज का भी है, पैसे भी कम और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जो पांचवें नंबर पर है वो है शाओमी वालों का शाओमी मी मैक्स बहुत ज़बरदस्त है, वो पांचवें नंबर पर सेल्फी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, जहां पर सेल्फी कैमरों की बात होती है वहां पे मैं हमेशा यही बात बताता रहता हूं पहले भी, कि देखो सबसे बेस्ट जो है आपकी अपनी तरीकाकार है लाइट का, आपके पास लाइट बहुत अच्छी है तो आपके पास कम क्वालिटी का कैमरा भी अच्छा काम दे जाता है, अगर आपके पास लाइट का कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं है तो अच्छे से अच्छा कैमरा भी वो कुछ नहीं कर सकता। अब लाइटें सारी बंद कर दो तो अंधेरे में अगर कैमरा जितना भी कमाल दिखाएगा लेकिन वो उतना नहीं दिखा पाएगा जितना वो लाइटिंग में, कम लाइट में जितना भी कुछ होता है बाकियों की नस्बत तो फिर भी अच्छा होता है लेकिन इतना वाजह नहीं हो सकता जितना ये लाइट के हवाले से होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। लाइक करना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।